तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओए कहाँ है तू? रुको जरा, सबर करो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा की तरह। तो अंधेरा क्यों आए, छोड़ दो। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। देखा ही नहीं। चलो भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ ढाकेश्वरी मंदिर, जो कि बांग्लादेश में बहुत ही फेमस और बहुत अच्छा मंदिर है। और मुझे मेरी फ्रेंड लोगों ने भी बोला था कि इस मंदिर में एक बार जरूर जाना, तो आज वहीं जा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग रहिए और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर कैसा है, इतना मुझे पता है। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो ये देखिए, ऑलवेज बिजी मैन। और चलते हैं, अब जो रहेगा वो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मम्मी देखिए अपने ट्रेडिशनल वेयर में, इसी के आगे हमने ढाकेश्वरी मंदिर देखी। यहाँ से दिख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने फूल और प्रसाद लिए माता को चढ़ाने के लिए। और यहाँ से हम अंदर जाते हैं, तो वाओ बहुत सुंदर। ढाकेश्वरी मंदिर के मैं दर्शन करने के लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा मंदिर है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैंने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में और आज मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आई हूँ, अच्छा लगा। और यहाँ पे आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता का कुछ खिला रहे हैं, भोग और प्रसाद वगैरह, तो वही यहाँ पे चल रहा है। काफी भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगरबत्ती और ये हमें मोमबत्ती दी थी जलाने के लिए, थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा क्योंकि हम लोग तो मंदिरों में दिया वगैरह जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ से हमने प्रसाद लिया था तो वहीं से हमको ये मोमबत्ती और ये अगरबत्ती दी थी। और ये मंदिर के बिल्कुल पीछे जाके जलानी थी हम लोगों को, तो सभी लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से जलाई थी और सभी लोग जला भी रहे थे। तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा अलग सा लगा मंदिर का मुझे, पर ठीक है, अपना अपना तरीका होता है मंदिर में पूजा करने का। तो बस हम लोगों ने भी यहाँ पे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाई और यहाँ पे रख दी, सभी लोग ऐसे ही कर रहे थे। और बस उसके बाद माता की थोड़ी देर आराधना करी, यहाँ पे पूजा करी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत शांति और सुकून मिल रहा था। मंदिर में ना आप कहीं भी जाओ तो बहुत शांति और एक अलग सा ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे माता का जो मंदिर है, यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस जिस की मनोकामना मंदिर में पूरी हुई थी तो वो सब लोग यहाँ पे चढ़ावा लेके आए थे। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोग सोने की चीज़ें चढ़ा रहे थे, हार चूड़ियाँ और चेन, ये सब मैं देख रही थी। बहुत लोग आज आए थे जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे थे। तो बस देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है पूजा आराधना।
तो यहाँ पे माता की पूजा आराधना करने के बाद हम लोग यहाँ पे किनारे में भी मंदिर दिखाई दे रहे थे हम लोगों को, तो हम लोग इस साइड पे जा रहे थे। और यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति थी, मतलब जो शिवलिंग होता है तो यहाँ पे शिवलिंग रखे हुए थे, लेकिन ये ना दरवाज़ा बंद किया हुआ था बाहर से, इसलिए हमें बाहर से हाथ जोड़ के ही हम लोग आ गए। तो यहाँ पे जितनी भी ये मंदिर है यहाँ पे सब जगह शिवलिंग रखे हुए थे, समझ में नहीं आया इतनी सारे शिवलिंग क्यों रखे हुए थे। तो ये इस तरीके से ये मंदिर दिखाई देता है, और ये सामने छोटी छोटी सी दुकानें हैं जिसमें मंदिर का सामान मिलता है। तो मुझे लगा मैं भी विंडो शॉपिंग करती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या प्राइस बोलते हैं जो भगवान जी के सामान मिलता है, तो मैं यही देखने के लिए यहाँ पे आ गई। मैं दर्शन कर चुकी हूँ मंदिर के, और अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। बहुत अच्छा मंदिर है, आज फ्राइडे है तो संतोषी माता की यहाँ पे पूजा की जा रही है। संतोषी माता का भोग लग रहा है, आगे टाइम लग जाएगा इस चीज के लिए, तो हम लोग वापस घर भी जाना है, थोड़ा सा हम जहाँ से आए दूर है, बस चलते हैं। दर्शन कर चुके हैं, आप लोग भी ले लीजिए ढाकेश्वरी माता के मंदिर का आशीर्वाद। और मैंने ना देखा यहाँ पे मंदिर में बहुत प्राचीन मंदिर है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जरूर मनोकामना पूरी होती होंगी, जिस तरीके से माता को चढ़ावा चढ़ाया हुआ था, गोल्ड का चूड़िया हार चेन बहुत सोना चढ़ाया हुआ था, मेरे सामने भी बहुत लोग चढ़ा रहे थे, अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई होगी तो उसके बाद चढ़ावा चढ़ाया है माता को। तो आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए, जयकारा जरूर से कॉमेंट में करें। तो चलिए चलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे वसुंधरा करके एक मॉल जैसा लगा मुझे, मॉल ही था छोटा सा, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे तो देख रहे थे यहाँ पे क्या क्या हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुर्ता पजामा ट्राई कर रहे थे कि ये लोग क्या प्राइस बोलते हैं और क्या बार्गेनिंग होती है, लेकिन एक बात है यहाँ पे बार्गेनिंग ना अच्छी खासी होती है, अगर आप लोग कभी यहाँ से कुछ सामान लेते हैं तो बार्गेनिंग बहुत ज़रूर से करिए। तो देखिए इस तरीके से मेरे हस्बैंड को हमने कुर्ता ही ज़बरदस्ती पहना दिया, वो नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से शॉपिंग कर ली है, क्या शॉपिंग करी है ना ये मैं आपको आराम से बैठ के घर पे जाके ही दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। ढाका में एक चीज़ देखी, यहाँ पे ना आपको इस तरीके से झील आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी हर जगह। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया कि ढाका में झील ही झील है, शायद इसे झीलों का भी नगर कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट झील मैंने बहुत ज़्यादा देखी और बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। और उसके बाद हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद हम लोग दूसरी मार्केट चले गए थे यहाँ से। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्या क्या शॉपिंग करी ये हम आराम से आपको दिखाएंगे। बाय बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।